देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कैट साइड टेक्नोलॉजी आ गई है, वो कैट साइड टेक्नोलॉजी आने के बाद अब जो 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 पायलट्स हैं उनको विजिबिलिटी का उतना इशू नहीं रह गया, इसी वजह से वो उतना, अगर फॉगी वेदर है तो भी और बहुत रेन हो रही है तो भी टच डाउन अमूमन मिस नहीं होता। क्या शारदा साहब फिर वो टेल विंड को ही हम कल्प्रिट माने क्या, कि वो कैटसाई की वजह से वो ये तो देख सकते थे कि टच डाउन कहाँ करने हैं लेकिन टच डाउन को हेल्प नहीं कर पाए, वो कोशिश तो कर रहे थे लेकिन उड़ा ले गई हवा आगे की तरफ। देखिए जब तक इंक्वायरी पूरी कंप्लीट नहीं हो एग्जैक्टली ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या हुआ था, लेकिन जैसा विजुअल्स आ रहे हैं तो विजुअल्स के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो टचडाउन है वो सही जगह नहीं हुआ है। क्यों सही जगह नहीं हुआ है ऑब्वियसली ये इंक्वायरी का विषय होगा। और एक जो बीच में बात उठी थी दुबई से आने वाली, तो होता क्या है कि प्लेन चाहे कहीं से कहीं जा रहा हो, जब जो उसका डेस्टिनेशन है उसके अलावा उसके आसपास के जो अल्टरनेट एयरपोर्ट्स हैं, दो अल्टरनेट एयरपोर्ट पर जाने के करीब में फ्यूल उसके पास हमेशा ही रहता है। जैसे कि मान लीजिए उसको इस एयरपोर्ट पर उतरना था, कालीकट एयरपोर्ट पर उतरना था, कालीकट एयरपोर्ट पर नहीं उतर सकता था, तो उसके पास जो दो उसके अल्टरनेट डिजिग्नेटेड एयरपोर्ट हैं उस पर जाने के काबिल फ्यूल हमेशा ही रहेगा। तो कौन सा है, कोचिन है पास में और वहाँ नहीं जाएंगे, अगर आप उसके पास और नहीं जाना चाहते तो त्रिवेंद्रम तो अच्छा एयरपोर्ट है, वहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है, 300 किलोमीटर दूर है, कुछ ही मिनट लगते हैं, इनफैक्ट मैं समझ रहा हूँ कि 25 मिनट से 40 मिनट के भीतर में आप त्रिवेंद्रम पहुँच जाते हैं, तो वहाँ चले गए होते। अब सवाल तो ये है सर, वो ज्यादा उचित होता बजाय इस पर बार बार लैंडिंग के अटेम्प्ट। ये महत्वपूर्ण जानकारी है सर, क्योंकि प्रधान साहब से वो जानकारी मिलने के बाद कि फ्यूल हो सकता है उतना बचा नहीं हो, ये जो आपने जानकारी ऐड की है कि इतना फ्यूल हमेशा रखा जाता है कि अल्टरनेटिव लैंडिंग हो सके, ये महत्वपूर्ण जानकारी है सर। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।